सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 40,000 रुपये की रेंज में आप कौन सा बेहतरीन आईफोन मार्केट से ले सकते हैं। इसी तरह 70,000 रुपये वाला एपिसोड भी बनाया था और यही इसका तीसरा एपिसोड है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख की रेंज में आपको कौन सा आईफोन पिक करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो 100K का बजट है, आप मार्केट में जाते हैं, आपको कितनी डिवाइसेस देखने को मिलती हैं पाकिस्तानी मार्केट में। यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 डिवाइसेस निकाली हैं क्योंकि यूजुअली आपको यही मार्केट में देखने को मिलती हैं। 10 and 10 कंडीशन, पीटीए प्रूफ, ऑल ओके सेट, जिसमें से आपको एक नया आईफोन मिलेगा, 2 पुराने आईफोन मिलेंगे। अब उन आईफोन के नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बता दूं, iPhone X, iPhone XR और iPhone SE 2020। आपको 1 लाख के बजट में अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको यूजुअली यही बेहतरीन कंडीशन में मिल रहे होंगे 90,000 या 1 लाख के बजट में। और बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस बाय करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंटेंस सिचुएशन है। क्योंकि iPhone X जो लॉन्च हुआ था वो एक पीक पे लॉन्च हुआ था, बट iPhone XR और iPhone SE 2020 जो लॉन्च हुए हैं वो एप्पल ने डिजाइन किए बजट वैल्यू के ऊपर, मतलब कम प्राइस में बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो इसी के साथ इन डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि किन डिवाइस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपने घबराना नहीं है। मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है, जैसे कि परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले, हम साथ में सबको कंपेयर करेंगे ताकि हमें यह पता लग जाए कि कौन सी डिवाइस आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग बता दूं, iPhone X की इस वक्त 256 GB की प्राइस चल रही है मार्केट में 94,000 रुपीज़। अब इसी तरह iPhone XR की प्राइस चल रही है 128 GB में 92,000 रुपीज़। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है iPhone SE 2020 जो आपको मिलेगा बॉक्स पैक न्यू कंडीशन में 128 GB में 93,000-94,000 रुपीज़ का। तो सारी बातें रखते हैं साइड में, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। iPhone X में आपको मिलता है सुपर रेटिना OLED पैनल 5.8 इंच स्क्रीन के साथ, और यहीं पर आपको iPhone XR मिलता है रेटिना डिस्प्ले में, LCD पैनल है बेसिकली, जिसका डिस्प्ले साइज है 6.1 इंचेस। और अगर iPhone SE 2020 को देखें तो वहां पर आपको मिलेगा रेटिना HD डिस्प्ले जो कि LCD पैनल ही है लेकिन 4.7 इंचेस के डिस्प्ले के साथ। अब इन सब में आपको सबसे बड़ा डिस्प्ले लग रहा होगा iPhone XR का, और यहाँ पर सबसे बेहतरीन डिस्प्ले की क्वालिटी है iPhone X की। वजह क्या है, वजह यह है क्योंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा iPhone X की ज्यादा है, और अगर iPhone X के कंट्रास्ट रेशियो की बात करें तो वहां पर आपको मिलेगा 1:1 का कंट्रास्ट रेशियो, और iPhone XR और iPhone SE 2020 में 1400:1 का कंट्रास्ट रेशियो मिलेगा। ट्रू टोन डिस्प्ले सब में अवेलेबल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सेकंड थिंग और मोस्ट फेवरेट थिंग, 3D टच, iPhone X में आपको 3D टच मिलता है जो कि एक हार्डवेयर बेस है जो आपको ज्यादा कमाल फीलिंग देता है। iPhone XR और SE में भी है 3D टच, लेकिन उसको 3D टच नहीं कहते, उसको एप्पल बोलता है हैप्टिक फीडबैक या हैप्टिक टच। वो भी 3D टच की तरह काम करता है लेकिन वो आपको फीलिंग प्रोवाइड नहीं करता जो 3D टच आपको प्रोवाइड करता है। स्क्रीन ब्राइटनेस की बात कर लें तो यहाँ पर टिपिकल स्क्रीन ब्राइटनेस है हर एक मॉडल की 625 nits तक, तो आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस में कोई यहाँ पर ज़्यादा और कम नहीं मिलेगा। अब इन सारी डिवाइस की फ्रंट और बैक दोनों ग्लास है, और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो iPhone X में आपको मिलती है सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील बॉडी जो कि मेरी फेवरेट है। अगर XR की बात करें तो वहाँ पर एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम आपको साइड्स मिलेगी और इसकी बॉडी मिलेगी, और यही चीज़ iPhone SE 2020 में मिलेगी। अब ऐसा इसलिए है, स्टेनलेस स्टील थोड़ी प्रीमियम हो जाती है और थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती है, इसलिए iPhone X में वो आई थी। और बाकी XR और SE की बात करें तो इसे अफोर्डेबल बनाना था, बजट बनाना था, इसलिए इसमें स्टेनलेस स्टील का यूज़ नहीं किया गया, एल्यूमिनियम यूज़ किया गया, बट फिर भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होल्ड है इन सारे फोन्स की। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात खत्म होती है। अगर डिस्प्ले को देखा जाए और डिस्प्ले के विनर को चूज किया जाए तो iPhone X आपको सबसे बेहतरीन कलर्स, सबसे बेहतरीन कंट्रास्ट रेशो एंड बेहतरीन स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है कम से कम बेजल्स के साथ। अगर आप एक स्क्रीन लवर हैं तो आपको iPhone X पे नजर मारनी चाहिए। सेकंड थिंग पे बात करेंगे हम परफॉर्मेंस की, यहाँ पर गेमर बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, मुझे पता है। तो इसी तरह हम लोग सिस्टमैटिक चलेंगे। iPhone X में आपको A11 चिप मिलती है, iPhone XR में आपको A12 चिप मिलती है, और iPhone SE 2020 में A13 चिप मिलती है iPhone 11 Pro वाली। और ये मार्केट में वही वाला फोन था जो सबसे तेज पबजी चला रहा था अपने टाइम पे, अब तो A14 आ गई और Huawei P40 Pro भी आ गया है, तो अब ये थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आज के टाइम पे भी ये बेहतरीन चिप है। इन तीनों मॉडल्स में आपको 3 3GB रैम देखने को मिलती है, तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं तो iPhone X आपके लिए नहीं है, XR आपके लिए नहीं है, iPhone SE आपके लिए बना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, आपको गेमिंग iPhone SE में तो मिल रही है, बट वहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा डिस्प्ले, क्योंकि
क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा बड़े बेजल्स आ जाते हैं जो कि iPhone 6 और iPhone 7 के साइज का डिस्प्ले है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, एडिटिंग वगैरह अगर आप फोन में कर लेते हैं तो iPhone SE 2020 के बारे में दोबारा सोचिएगा, बेहतरीन ऑप्शन है। अब जहां पे परफॉर्मेंस की बात आ रही है तो वहीं पर बात आ जाती है बैटरी की। अब इन तीनों मॉडल्स में मुझे पता है आप सबसे ज्यादा किसको क्रिटिसाइज करेंगे, वो है iPhone SE 2020। बट मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा, iPhone X में आपको मिलती है 13 आवर्स का बैटरी बैकअप एप्पल के मुताबिक, क्योंकि आपको पता है एप्पल अपने लॉन्च इवेंट में बैटरी का एक्चुअल साइज नहीं बताता, तो हम अंदाजा ही मार सकते हैं। और एप्पल के मुताबिक iPhone X की जो बैटरी वो 13 आवर्स तक चल जाती है। और अगर इसी तरह iPhone XR की बात करें तो वहां पर आपको मिलता है 16 आवर्स का बैटरी बैकअप। और iPhone SE 2020 की बात करें तो सेम है यहाँ पर सिचुएशन, iPhone X की तरह आपको यहाँ पर भी 13 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और ये बात सच भी है, आप iPhone SE को लोग समझते हैं बहुत छोटी बैटरी है, iPhone 6 और 7 वाली बैटरी है, 8 वाली बैटरी है, बट इस तरह नहीं है। साइज वही हो सकता है लेकिन बैटरी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। आप iPhone SE की बैटरी सिर्फ उसका साइज देखकर किसी पुराने फोन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हाँ, iPhone X और iPhone SE सेम बैटरी के साथ आते हैं और iPhone XR की बैटरी काफी ज्यादा बड़ी है डिस्प्ले साइज और साइज होने की वजह से, जो आपको 16 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है। अब इन मोबाइल में एक बहुत अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि फेस आईडी, लोग इसको काफी ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। तो आईफोन एक्स में आपको फेस आईडी मिलती है, थोड़ी सी स्लो है क्योंकि फर्स्ट टाइम ही जब फेस आईडी आई थी तो वो आईफोन एक्स में ही आई थी। iPhone XR में भी आपको Face ID देखने को मिलती है जो कि iPhone X से फास्ट है, और iPhone SE 2020 में आपको कोई Face ID नहीं मिलती, यहाँ पर आपको Touch ID मिलती है जिसकी स्पीड सेम है, सेम जनरेशन की स्पीड है iPhone 8 Plus और iPhone 7 Plus वाली। और फाइनली बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर आपको मिलता है iPhone X में डुअल कैमरा सेटअप जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, एक टेलीफोटो लेंस है, और बाकी दोनों फोन्स में सिंगल सिंगल वाइड एंगल कैमरास है। अब कैमरा क्वालिटी की बात करें और पिक्सल्स की बात करें तो तीनों फोन्स में आपको जो बैक कैमरा सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बट 12 मेगापिक्सल तो जस्ट एक नंबर है, क्योंकि जब ये एक जनरेशन बेहतर मोबाइल फोन्स हैं तो एक जनरेशन बेहतर आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। आप सिर्फ नंबर पे नहीं जाइए, iPhone X से ज्यादा आपको iPhone X में इंप्रूवमेंट मिलेगी कैमरा में, और iPhone XR से ज्यादा iPhone SE 2020 में मिलेगी, क्योंकि याद रखिएगा iPhone 11 का सिंगल कैमरा iPhone SE 2020 में यूज हुआ है। तो यहाँ पर आपको कलर करेक्शन और डेप्थ इफेक्ट सबसे ज्यादा आपको मिलेगा iPhone SE 2020 में। इन तीनों कैमरा में पोर्ट्रेट है, iPhone X में भी है, XR में भी है और SE 2020 में भी है। यहाँ पर एक बंदे का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पिछली वीडियो मैंने XR पे बनाई थी तो उसने बोला था यार XR में पोर्ट्रेट मोड है जो ह्यूमन पे वर्क करता है, तो मैं एग्री हूं आपकी बात से, मेरी मिसकंसेप्शन थी, तो थैंक यू फॉर दैट। अब पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें तो आपको लगेगा iPhone XR का जो पोर्ट्रेट मोड है वो बेस्ट है क्योंकि डुअल सेंसर मिलता है, टेलीफोटो लेंस है, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। iPhone X में आपको पोर्ट्रेट मोड तो मिलता है, iPhone XR में भी और SE में भी मिलता है, बट जो XR और SE में मिलता है वो आपको ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा एडवांस है और ज्यादा डेप्थ कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ ह्यूमन पे वर्क करता है, ये मैं मानता हूँ। बट आप उसका बुके इफेक्ट, कितनी ब्राइटनेस रखनी है, पीछे बैकग्राउंड कितना ब्लर होना चाहिए, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी सिर्फ आपको iPhone XR और iPhone SE 2020 में मिलती है, एक्स में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 7 मेगापिक्सल के तीनों का फ्रंट कैमरा है, बेहतरीन क्वालिटी है, और याद रहे वही चीज है कि थोड़ी थोड़ी आपको चेंजेस मिलेंगी कलर करेक्शन में और डिटेलिंग में। फ्रंट में भी आपको बुके इफेक्ट देखने को मिलता है, और बुके इफेक्ट की बात करें तो सेम सिचुएशन है बैक कैमरा वाली। अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप तीनों मोबाइल फोन्स में 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पे, और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर भी तीनों फोन्स में आप 1080p 240 फ्रेम्स पर सेकंड पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। iPhone X में आपको ये चीज नहीं मिलेगी जो आपको iPhone XR में मिल रही है और iPhone SE 2020 में मिल रही है, वो है सिनेमैटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन। ओके, तो आपने सारी कहानी सुनी इन सारे फोन्स के बारे में, तो अब आप कंक्लूजन चाहते हैं कि हमें कौन सा बाय करना चाहिए और मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा। तो अगर आपको हाई एंड लेवल पर गेमिंग करनी है, आपको डिस्प्ले साइज से फर्क नहीं पड़ता, तो नो डाउट आप यहां पर चूज करेंगे iPhone SE 2020। आपको बेहतरीन गेमिंग प्रोवाइड करेगा, कैमरा साइड से भी स्ट्रॉन्ग है, बैटरी भी काफी हद तक कैपेबल है, और सबसे जरूरी बात ये आपको बॉक्स पैक मिलता है और कैमरा साइड से भी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप चाहते हैं बड़ा डिस्प्ले, जो कि मेरे ख्याल से 80% आवाम पाकिस्तान की यही चाहती है, बस मोबाइल का डिस्प्ले बड़ा हो, तो अगर आप बड़ा डिस्प्ले चाहते हैं तो iPhone XR पे जाएं, बड़ी बैटरी मिल रही है, बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। सॉरी मेरे कैमरा का कार्ड फुल हो गया बट मैंने मोबाइल निकाल लिया, हम हार नहीं मानेंगे। तो कंक्लूजन मैंने आपको बताया, अगर आप सिर्फ गेमिंग चाहते हैं, आपको फर्क थोड़ा बहुत नहीं पड़ता डिस्प्ले से, तो SE 2020 मेरे हिसाब से, अगर मेरे पास बजट होगा तो नो डाउट मैं iPhone SE 2020 ले लूंगा। याद रखिएगा लिमिटेड सा बजट होता है और आपको हर एक फोन में हर एक फैसिलिटी नहीं मिल सकती,
जहाँ पर एक्स का डिस्प्ले अच्छा है, XR का साइज बड़ा है, बैटरी अच्छी है और आईफोन SE के कैमरा नेक्स्ट लेवल है और जनरेशन बेहतर है प्रोसेसर की। तो हर एक फोन में अपनी खूबी है, बट मेरे नज़दीक जो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आईफोन SE 2020। बाकी आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए डिसीजन लेने में और आप एक बेहतरीन फोन बाय कर सकें। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।